जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का एक टॉपिक करने वाले हैं, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एनसीडब्ल्यू के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले देखने वाले हैं मौर्य आर्ट। पहला टॉपिक होगा इसमें मौर्यन आर्ट के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, इन मौर्यन एंड प्री मॉडर्न टाइम डैस वॉज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिस्टिक गुड्स। तो वन का सही आंसर है ऑप्शन डी, कानवा। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच पीरियड द यूज ऑफ स्टोन आर्ट वॉज फर्स्ट मेड एक्सटेंसिवली ड्यू टू विच आर्ट फेयर बिकम परमानेंट। किस पीरियड में पूछा? तो दो का सही आंसर है ऑप्शन सी, मौर्यन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्ट इज फाउंड इन मॉडर्न पीरियड। तो थ्री का सही आंसर है ऑप्शन बी, टू टाइप्स ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ मॉडर्न आर्ट पीरियड। तो चार का सही आंसर है ऑप्शन है स्वतंत्र कला। क्वेश्चन नंबर फाइव, दी राजप्रसाद ऑफ मगध किंगडम चंद्रगुप्त ऑब्टेन फ्रॉम कुमारहार सिचुएटेड इन पाटलिपुत्र इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स। तो पांच का सही आंसर ये राजकीय आर्ट था, राजकीय कला। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हाउ मेनी स्टोन पिलर्स हैव बीन फाउंड इन असेंबली हॉल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है ऑप्शन सी, 84 पिलर। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, हु ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर हैड नेम द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त सिचुएटेड एट कुमराहर एज वन ऑफ द बिल्ट बाई ए डाइटी। सेवन का बी ऑप्शन सही, फायान। क्वेश्चन नंबर एट, फायान वॉज अ ट्रेवलर फ्रॉम विच कंट्री। तो एट का सही आंसर ऑप्शन है चाइना। क्वेश्चन नंबर नाइन, द मैक्सिमम रिमेन्स ऑफ विच मॉडर्न रूलर आर फाउंड। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का सी है ऑप्शन सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर टेन, द आर्ट फेयर ऑफ द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्ट फेयर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो इलेवन का सही आंसर ऑप्शन है पिलर आर्ट। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स धम्मा स्क्रिप्ट आर इनग्रेव्ड, धम्मा स्क्रिप्ट आर इनग्रेव्ड। तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लोरिया अरेरा राज, लोरिया नंदनगढ़ एंड लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स धम्मा स्क्रिप्ट्स आर नॉट इनग्रेव्ड। तो क्वेश्चन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अशोका बिल्ट सिंपल पिलर्स। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बसार, कोसे, रामपुरवा। क्वेश्चन नंबर 16, विच पिलर बिल्ट बाय अशोका बियर्स बुल पिक्चर ऑन इट्स टॉप। अशोका किस पिलर पे बुल का पिक्चर है टॉप पे। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लौरिया अरेराज। क्वेश्चन नंबर 17, विच एनिमल पिक्चर इज इनग्रेव्ड ऑन द पिलर ऑफ सारनाथ। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन सी, लायन। क्वेश्चन नंबर 18, द लायन पिक्चर इनग्रेव्ड ऑन सारनाथ पिलर इज अ साइन ऑफ डैश ऑफ अशोका। तो 18 का सही आंसर है पावर, वो अशोका के पावर को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टूप इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ये जैन से भी जुड़ा हुआ है और बुद्धिस्ट से भी। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन हाउ मेनी स्टूपाज वर बिल्ट बाई अशोका। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 84,000। क्वेश्चन नंबर 21, विच रूलर हैड गॉट बिल्ट द ग्रेट स्टूपा ऑफ सांची। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड अशोका गेट बिल्ट ए स्टूपा डिनोटिंग द स्टेट ऑफ जस्टिस। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टूपाज ऑफ मौर्यन पीरियड वेर सराउंडेड बाई। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए, वेदिका। क्वेश्चन नंबर 24, द पीसेस ऑफ थ्री वेदिकाज हैव बीन रिकवर्ड इन एक्सकेवेशन एट विच प्लेस। 24 का सही आंसर ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 25, विच मौर्यन रूलर हैड गॉट बिल्ट विहारस फॉर हैबिटेशन ऑफ द भिक्षुस। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, अशोका एंड दशरथ। क्वेश्चन नंबर 26, द एविडेंस ऑफ बिहार आर फाउंड इन विच हिल। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी बराबर में मिला है और नागार्जुनी के में मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द एविडेंस ऑफ बिहार आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सुदामा कैब में भी मिला है, करण चौपर कैब में मिला है, विश्व झोपड़ी कैब, ये तीनों में मिला है। क्वेश्चन नंबर 28, द अदर नेम ऑफ सुदामा कैब इज, अदर नेम ऑफ सुदामा कैब क्या है। तो ऑप्शन सी न्याय ग्रोथ, न्याय ग्रोथ इज अदर नेम ऑफ सुदामा कैब। क्वेश्चन नंबर 29, सुदामा कैब वॉज बिल्ट इन डैश ईयर ऑफ अशोका कोरोनेशन। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12th ईयर ऑफ अशोका कोरोनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, लोमेश ऋषि कैब वॉज बिल्ट इन द रूल ऑफ विच रूलर। किस रूलर के पीरियड में लोमेश ऋषि कैब को बिल्ट किया गया था। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी, दशरथ के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 31, द स्टैचू ऑफ यक्षा यक्षिणी द मेन बेसिस ऑफ विच आर्ट। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन है लोक कला। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रॉम वेयर वर द आइडल नेम्ड चमरा गृहिणी रिकवर्ड। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन डी, दीदारगंज पटना। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम विच प्लेस द आइडल ऑफ जैन तीर्थंकर वॉज रिकवर्ड। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न आर्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन है, गुप्ता आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच स्टाइल। गुप्ता आर्ट जो था वो किस आर्ट से इन्फ्लुएंस था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, मथुरा आर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इन मथुरा आर्ट स्टाइल द इफेक्ट ऑफ व्हिच रिलीजन इज मेनली रिफ्लेक्टेड। तो 2 का सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदू रिलीजन का इफेक्ट शो करता है मथुरा आर्ट स्टाइल में। हुज आइडल मेजरिंग 795 फीट हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन है बुद्धा, 795 फीट की बुद्धा की मूर्ति मिली है सुल्तानगढ़ से। आते हैं नेक्स्ट आर्ट पे। नेक्स्ट है आपका पाला आर्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पाला आर्ट वॉज डेवलप फ्रॉम 8th century टिल विच सेंचुरी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 12th century, यानी 8 से 12 century तक पाला आर्ट आपको देखने को मिलेगा। इन विच पीरियड एन एडवांस स्टाइल ऑफ स्टोन ब्रॉन्ज एंड अष्ट धातु मेड आइडल्स वॉज डेवलप।
तो दो का सही आंसर है ऑप्शन ए पाल, पाल डायनेस्टी के टाइम पे। इसके टाइम पे आपको स्टोन के आइडल्स मिलेंगे, ब्रॉन्ज के मिलेंगे, अष्ट धातु के भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हुज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज देयर इन मेकिंग द सिल्वर स्टैचू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बी एंड सी, धीमा एंड बीतपल। क्वेश्चन नंबर फोर, धीमन एंड बीतपल वर हैबिटेंट ऑफ विच प्लेस। तो चार का सही आंसर ऑप्शन बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर फाइव, धीमन एंड बीतपल वर कंटेम्प्रेरी ऑफ विच पाल रूलर। तो पांच का सही आंसर ऑप्शन डी बी एंड सी, धर्मपाल एंड देवपाल के कंटेम्प्रेरी थे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाल पीरियड आर्किटेक्चर। तो ये ऑप्शन डी का सही आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उदनपुरी महाविहार, नालंदा महाविहार एंड सोमपुर महाविहार। उदनपुरी बौद्ध महावीर वाज बिल्ड बाय विच पाल रूलर। तो सात का सही आंसर ऑप्शन बी गोपाल। क्वेश्चन नंबर एट, विक्रमशिला महावीर वाज बिल्ट इन हुज रूल। तो एट का सही आंसर ऑप्शन सी, पाल रूलर के टाइम पे बना था विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर नाइन, द एविडेंस ऑफ पाल पीरियड के टेम्पल हैव बीन रिकवर फ्रॉम विच प्लेस। तो नाइन का सही आंसर है ऑप्शन डी खालागांव। क्वेश्चन नंबर टेन, दी अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपाल टेम्पल हैज बीन रिकवर फ्रॉम विच प्लेस। ये गया से मिला है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, दी पाल पीरियड आर्ट फेयर स्टाइल इज पॉपुलर विद द नेम ऑफ डैश ऑफ मेडिवल पीरियड आर्ट फेयर। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी पूर्वी स्टाइल। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, द स्पेसिमेन रिकवर फ्रॉम नालंदा बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ विच रूलर। देवपाल। नेक्स्ट टॉपिक है पटना कलाम। क्वेश्चन नंबर वन, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल पीरियड विच पेंटिंग आर्ट वॉज डेवलप इन बिहार। तो वन का सही आंसर ऑप्शन बी पटना कलाम। क्वेश्चन नंबर टू, द पिक्चर्स ऑफ पटना कलाम यूज्ड टू बी मेड ऑन। तो दो का सही आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, आइवोरी एंड अबरक। क्वेश्चन नंबर तीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पटना कलाम स्टाइल। तो तीन का सही आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, मुगल आर्ट एंड राजपूत आर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर ऑफ पटना कलाम आर क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ पिक्चर्स? तो चार का सही आंसर ऑप्शन बी लघु चित्र। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल हैड इट्स मेन सब्जेक्ट एज ए पेंटिंग ऑफ द नॉर्मल लाइफ ऑफ द मासेस? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी पटना कलाम। क्वेश्चन नंबर 6, रागिनी गंधारी इज एग्जांपल ऑफ विच पेंटिंग स्टाइल? जो रागिनी गंधारी है किस पेंटिंग स्टाइल का एग्जांपल है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन है पटना कलाम। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द पेंटर फ्रॉम पटना कलाम आर्ट हु हैड मेड द पेंटिंग ऑफ रागिनी गंधारी? इसमें पेंटर का नाम पूछा है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन है महादेव लाल। क्वेश्चन नंबर 8, विच पेंटर हैड डिपिक्टेड ए मुस्लिम मैरिज इन इस पिक्चर? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी शिव लाल। क्वेश्चन नंबर 9, हु मेड ए पेंटिंग डिपिक्टिंग द वाइस ऑफ हैविंग ड्रिंक्स बाय बेगम्स? 9 का है ऑप्शन ए सही आंसर यमुना प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पेंटिंग स्टाइल द हाई नोज ऑफ ह्यूमन फेस डेंस आईब्रो डेंस आई थिन फेस एंड डेंस माउथ स्टेज आर डिपिक्टेड? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी पटना कलम। क्वेश्चन नंबर 11, नोहार एंड मनोहर वेयर द पेंटर ऑफ हिज पेंटिंग स्टाइल? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी मुगल आर्ट। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज एन इम्पोर्टेंट पेंटर ऑफ पटना कलम? पटना कलम के कौन इम्पोर्टेंट पेंटर थे? सेवक राम। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द पीरियड ऑफ आर्ट ऑफ सेवक राम? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी 1770 से लेकर 1830 AD तक। क्वेश्चन नंबर 14, हु ऑफ द फॉलोइंग पटना कलाम पेंटर हैड डिपिक्टेड होली एंड दिवाली इन हिज पेंटिंग? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन ए उल्लास लाल। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षी बीवी सोना बीवी एंड गौर साहेल लाल वेर द रिलेटेड टू विच आर्ट स्टाइल? ऑप्शन सी इसका सही आंसर पटना कलाम। क्वेश्चन नंबर 16, हु वर द लास्ट इम्पोर्टेंट पेंटर्स ऑफ पटना कलाम? ये ऑप्शन ए ईश्वरी प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू गिव पैट्रोनेज टू पटना कलाम?
तो 17 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, टेलर, राम सुल्तान बहादुर एंड पीसी मनुक। क्वेश्चन नंबर 18, एट विच प्लेस इज ए कलेक्शन ऑफ पटना कलाम पेंटिंग। पटना कलाम पेंटिंग का कलेक्शन कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, पटना म्यूजियम एंड खुदा बख्श लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 19, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज एविडेंटली इन्फ्लुएंस बाई पटना कलाम स्टाइल। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड अवनींद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20, द पिक्चर ऑफ वोमेन सेलिंग फिश, फार्मर प्लॉफिंग हिज फील्ड एंड अ कारपेंटर कटिंग द वुड आर मेड इन विच स्टाइल। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन बी, पटना कलाम। नेक्स्ट देखते हैं मधुबनी पेंटिंग, जो हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, बहुत फेमस पेंटिंग है बिहार का। तो पहला क्वेश्चन है, द सॉन्ग ऑफ विच पोएट हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मधुबनी पेंटिंग्स। तो 1 का सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 2, द इन्फ्लुएंस ऑफ विद्यापति सॉन्ग गॉट स्टार्टेड विच जर्नर ऑफ पेंटिंग। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, कृष्णा एंड शिवा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक आर्ट्स वोमेन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी, मधुबनी पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन सेंट्रल प्लेस ऑफ मिथिला कल्चर। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 5, मिथिला पेंटिंग इज एन आर्ट ऑफ द लाइफ ऑफ मासेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, दरभंगा, सहरसा एंड पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन मधुबनी पेंटिंग्स। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी, 2 टाइप है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मधुबनी पेंटिंग। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, भित्ति चित्र एंड अरिपन। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टाइल ऑफ मिथिला पेंटिंग द वोमेन मेकिंग पेंटिंग ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड पिक्चर्स डिपिक्टिंग द कल्चर ऑफ सोशल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, भित्ति चित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द डेकोरेशन ऑफ गोश्नीधार आर पेंटिंग्स ऑफ डैश इम्पोर्टेंट। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिलीजियस इम्पोर्टेंस है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, इन मेकिंग ऑफ पेंटिंग्स ऑफ गोश्नीधार डेकोरेशंस वोमेन ऑफ विच फैमिली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल।
क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, ब्राह्मीन एंड कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 11, इन गोशनीधार डेकोरेशन हुज पेंटिंग इज मेनली फाउंड। क्वेश्चन 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सबका पेंटिंग मिलता है, दुर्गा काली का मिलता है, राधा कृष्णा, राम सीता। क्वेश्चन नंबर 12, द डेकोरेशन ऑफ खोबरगर इज ए पेंटिंग ऑफ विच स्टाइल। 12 का सही आंसर ऑप्शन सी, मिथिला स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश राइटिंग इज ए मिथिला पेंटिंग डिपिक्टिंग ज्योमेट्रिकल एंड ऑक्यूल्ट मेथड। 13 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कोवर। क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज एक्चुअली ए प्लेस वेयर एट द टाइम ऑफ मैरिज फैमिली डेटी इज इंस्टॉल्ड। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी, कोवर। क्वेश्चन नंबर 15, इन कोवर व्हिच सिंबल्स आर मेनली इम्प्रिंटेड। 15 का सही आंसर ऑप्शन डी, बंबू फिश टॉर्टोइस। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज अ सिंबल ऑफ मेल ऑर्गन एंड रिप्रोडक्शन। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी, बंबू। क्वेश्चन नंबर 17, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स लॉन्ग लाइफ ऑफ ए ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम इज विज्ड फॉर। तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन सी, टॉर्टोइस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स विशेस फॉर ब्लेसिंग वन विद अ सन। 18 का सही आंसर ऑप्शन है फिश। क्वेश्चन नंबर 19, इन मिथिला इन द टाइम ऑफ विद्यापति कृष्णा लीला वाज पेंटेड मेनली इन। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन डी, अरिपन। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर अरिपन पेंटिंग्स आर मेड ऑन विच प्लेस। क्वेश्चन 20 का सही आंसर ऑप्शन डी, सीलिंग पे पेंटिंग कर सकते हैं, कोर्टयार्ड में, डोर पर भी। क्वेश्चन नंबर 21, इन पेंटिंग ऑफ विच स्टाइल द वाटर ऑफ प्रेस्ड राइस इज कलर्ड एंड यूज्ड। 21 का सही आंसर ऑप्शन बी, अरिपन। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर अरिपन पेंटिंग्स आर मेड विथ। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी, फिंगर। अंडर अरिपन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स आर मेड। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन डी, 5 टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स पेंटिंग्स आर मेड अंडर अरिपन। 24 का सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्वास्तिक के फॉर्म में पेंटिंग होता है, द पेंटिंग्स आर मेड ऑफ फ्रूट्स फ्लावर एंड ट्री, और डायटीज का भी पेंटिंग होता है, भगवान वगैरह का।
क्वेश्चन नंबर 25 एंड द टाइम ऑफ डैश इन अरिपन मेड फॉर मैरिड गर्ल्स द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इज मेनली डन तुलसी पूजा On occasions like marriage and other celebration, dash shape is mainly used in Aripan. 26 का सही आंसर ऑप्शन डी लिप्स. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सेंटर ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स. तो 27 का सही आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. लेहरिया सराय भवानीपुर सिमरी. क्वेश्चन नंबर 28. हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन आर्टिस्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग. 28 का सही आंसर ऑप्शन डी सिया देवी गंगा देवी जगदम्बा देवी. क्वेश्चन नंबर 29. Where was the exhibition of paintings made by Shashikala Devi held? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन सी जापान में. Who gave international popularity to Mithila art? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन बी हसेगावा. क्वेश्चन नंबर 31. In which city of Japan there is a museum of Mithila art fair? 31 का डी Tokamachi. Who has done the research work on the Mithila art fair? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन है स्मिथ. क्वेश्चन नंबर 33. The researcher of which country has done research work on Mithila art fair? 33 का सही आंसर ऑप्शन डी जर्मनी. क्वेश्चन नंबर 34. वेयर वाज मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड. तो 34 का सही आंसर ऑप्शन है सौराष्ट्र. अब अगला आते हैं मंजूसा स्टाइल में. तो इसमें पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स पीपल सेलिब्रेशन इज मेड बाय बिहुल पूजा विषहरी पूजा एंड मनसा पूजा. वन का सही आंसर ऑप्शन है अंग. क्वेश्चन नंबर 2. डैश इज द गिफ्ट ऑफ सोसाइटी स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट स्टेप ऑन द कास्ट लेडर. क्वेश्चन 2 का सही आंसर ऑप्शन सी मंजूसा स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग फेस्टिवल दिस डेज वेयर आर अट्रैक्टिव पेंटिंग्स ऑन मंजूसा यूज फॉर वर्शिपिंग आर मेड. तो 3 का सही आंसर ऑप्शन है भागलपुर. क्वेश्चन नंबर 4. द डिपिक्शन ऑफ लव टुवर्ड द नेचर गिव्स ए स्पेशल डिस्टिंक्शन टू व्हिच आर्ट फेयर. तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी मंजूसा स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 5. हु इज द मेन कैरेक्टर पेंटेड इन मंजूसा स्टाइल आर्ट फेयर. तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी चंदू सौदागर. क्वेश्चन नंबर 6. In which art fair pictures a woman is painted always along with her husband? Six का सही आंसर है ऑप्शन ए मंजूसा स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 7. द कैरेक्टर फ्रॉम मंजूसा स्टाइल विषहरी इज पेंटेड ऑलवेज विथ होम. 7 का सही आंसर ऑप्शन डी स्नेक. क्वेश्चन नंबर 8.
क्वेश्चन नंबर एट, हु इज गिवन द क्रेडिट फॉर कीपिंग मंजूषा स्टाइल अलाइव इन बिहार? तो आठ का सही आंसर ऑप्शन बी चक्रवर्ती देवी। क्वेश्चन नंबर नाइन, हु अट्रैक्टेड द पीपुल अटेंशन टुवर्ड मंजूषा स्टाइल बाय मेकिंग अ स्लाइड ऑन इट? शेखर।